नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज है यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के मॉक टेस्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। आवाज आ रही है सबको भी पहले की? ठीक है, इस बार आ रही है। चलिए, इस बार आवाज आ रही है, ठीक है, तो चालू करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज क्विज लाया हूं आपके लिए। कई सारे लोगों ने जैसे बोला था मुझसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चाहिए। अभी आवाज आ रही है ना सबको एकदम क्लियर? 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, 20 कॉन्सेप्ट होंगे पूरे वो, और यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के लिए है ये क्विज। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने यूपीएससी जैसे पिछले एक साल का नहीं, पूरा 2-3 साल का पूरा करंट अफेयर देखता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जितना भी ये सब चीजें हैं। तो मैंने पूरा इसमें पिछले 2015 के मिड से लेके 2017 तक की न्यूज उठाई है, 2-2.5 साल की पूरा उठाया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जो भी सबसे पहले करेक्ट आंसर देगा बस उसी का नाम लिया जाएगा, उसी का आंसर करेक्ट माना जाएगा बस, बाकी और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, शुरू में इसने किसी ने डिसलाइक कर दिया, पसंद नहीं आया किसी को मेरी क्विज ये। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर भी हम लोग लाइक कर दीजिए आपको कम से कम जितने लोग सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। नहीं, आवाज अब आ रही है, बिल्कुल अब आवाज आ रही है इंद्रेश जी। अब आप अपना वो सिस्टम चेक करिए, मैंने ये मैं मोबाइल पे लिए देख रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है नीम कोटेड यूरिया के ऊपर, मैं पूछ रहा था आपसे। इस पे आपको देखिए, नीम कोटेड यूरिया जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि 100% अलाउ करेंगे, इससे रिलेटेड ये तीन स्टेटमेंट है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों में से आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला ये कि जो नीम कोटेड यूरिया है ये इन्वायरमेंट के लिए डिजास्टर्स होगा और ये इंक्रीज कर देगा लेवल ये नाइट्रोस ऑक्साइड का और जो दूसरी हार्मफुल गैसेज है। दूसरा ये है कि जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होता है उसको रिड्यूस कर देगा जो रिलीज होता है सॉइल से। तीसरा ये कि ये कंजम्पशन रिड्यूस कर देगा ओवरऑल यूरिया का 10-15%। अब इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताने हैं आपको, जल्दी से आंसर बताइए। संदीप सुशील श्रीवास्तव ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है और ये स्टेटमेंट है दूसरा वाला और तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो नीम कोटेड यूरिया है ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ये एनवायरनमेंट के लिए। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, नीम कोटेड यूरिया डिजास्टर नहीं है, डिजास्टर्स नहीं है, और ये जो नाइट्रोस ऑक्साइड है और जो दूसरी हार्मफुल गैसेज है उनके लेवल को एक्चुअली रिड्यूस करेगा, और इसके अलावा ये अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल से निकलता है उसको भी रिड्यूस करेगा और ये ओवरऑल कंजम्पशन को भी 10-15% तक रिड्यूस करेगा। तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और उसके अलावा ये चोरी भी रोकेगा, जैसे कि कई सारे लोग को जो फर्टिलाइजर पे ये यूरिया पे मिलता था उनको सब्सिडी और वो बेच देते थे, तो उसकी वजह से मतलब किसानों को दिया जाता था और वो इंडस्ट्री को बेच देते थे, तो ये उसको भी रोकेगा और काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अब यूरिया को पूरी तरह से नीम ऑयल से कोटेड कर दिया जाएगा और ये जो नॉर्मल यूरिया है उससे काफी ज्यादा एफिशिएंट होगा ये वाला यूरिया। ये रिड्यूस कर देगा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि सॉइल से निकलती है, प्लस इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी की है उसके हिसाब से कंजम्पशन 10-15% रिड्यूस होगा ही, उसके अलावा ये नाइट्रस ऑक्साइड के लेवल को भी रिड्यूस कर देगा और जो दूसरी हार्मफुल गैसेज होती हैं यूरिया के प्रोडक्शन में जब निकलती हैं उनको ये डिक्रीज कर देगा। और ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नीम कोटेड यूरिया ये अभी भी मेरे हिसाब से रिलेवेंट है ये। और वैसे तो अगर आप देखें तो यूरिया को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज फॉर्मल डाइट बनाने में, जिसका यूज किया जाता है वैक्सीन के लिए, फर्नीचर के लिए, फ्लोरिंग, ऑटोमोबाइल और पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से आपको ट्रू वाला बताना है। पहला है इसमें कि थर्मोन्यूक्लियर जो बॉम्ब जिसको कि हाइड्रोजन बॉम्ब भी बोलते हैं वो न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पे होता है बेस्ड। दूसरा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो एटॉमिक बॉम्ब भी बोलते हैं जिसको, ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बेस्ड है। अब इन दोनों में से करेक्ट वाला आंसर बताने हैं, चूज ट्रू वाले स्टेटमेंट, वन की, टू की, बोथ की, नन। सबसे पहले आंसर दिया करेक्ट विक्रमजीत ने, ये देखिए दोनों मैंने उल्टा लिखा हुआ है। एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये प्रोसेस होती है थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब और ये बेस होता है फ्यूजन पे, मतलब इसमें दो स्मॉल एटम जुड़ के और बड़ा बनाते हैं, दो हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बना लेते हैं उस पे बेस्ड होता है ये। और जो फ्यूजन है, फ्यूजन एक्चुअली जो सनलाइट होती है उसका भी बेसिक प्रोसेस होता है फ्यूजन, और प्लस जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है जिसको कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं इसको भी ये दोनों फ्यूजन पे बेस्ड हैं। और जो फिजन होता है ये होता है न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एटॉमिक बॉम्ब पे बेस्ड, और जो आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जिससे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है वो भी फिजन बेस्ड होते हैं, उसमें कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है और उसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं, वो पूरी एक उनकी साइंस है, उसमें अगर वीडियो देखेंगे कभी पूरा उसमें सब डिस्कस करेंगे मॉडरेटर का क्या यूज होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने में न्यूक्लियर फिजन होता है,
और ये आप याद कर लीजिएगा आगे के एग्जाम के लिए भी, न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस्ड होती, किस पे बेस्ड होती, फिजन पे। ठीक है, फिजन में एक बड़ा पार्टिकल होता है, उसमें एक न्यूट्रॉन से कोलिजन करते हैं और फिर दो छोटे छोटे पार्टिकल में रिलीज हो जाता है और कई सारी एनर्जी निकलती है। और फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे पार्टिकल पहले तो इसमें फिजन की वजह से ही पास में आते हैं और फिर बनाते हैं ये हीलियम, और बहुत ही ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जो फ्यूजन वाली प्रोसेस है वो ज्यादा डेंजरस होती है फिजन से। और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये फ्यूजन पे बेस्ड है, इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट का रॉन्ग नहीं है, मतलब दो सॉरी दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसलिए दोनों ही रॉन्ग है। और ये हाइड्रोजन बॉम्ब का भी जैसे थोड़े दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने भी क्लेम किया था कि उन्होंने ये हाइड्रोजन बॉम्ब का टेस्ट कर लिया है। आवाज बिल्कुल आ रही है, आप अपने आप फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए वीडियो को, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाइट फ्लाई से रिलेटेड है। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं व्हाइट फ्लाई से रिलेटेड, दोनों में से आपको ट्रू वाला स्टेटमेंट बताना है। पहला ये कि व्हाइट फ्लाई का ये कुछ बताया गया है कि ये सैप को सक कर लेता है फ्लोएम से और उसकी वजह से येलोइंग हो जाती है और अपवर्ड कर्लिंग हो जाती है लीव्स में। दूसरा ये कि करीबन 250 BT कॉटन है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, और उसमें 90% से ज्यादा ये व्हाइट फ्लाई से सब्सटिट्यूटेबल है, मतलब कि व्हाइट फ्लाई पे अटैक कर सकता है 90% से ज्यादा जो 200 250 BT कॉटन है। तो इन दोनों में से कौन सा ट्रू है? सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है इसमें नंदिनी मिश्रा ने, और ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। व्हाइट फ्लाई ये एक्चुअली ये क्या करता है, ये जो बीटी कॉटन वाली स्पीसीज होती है उसमें फ्लोएम से सैप को ये सक कर लेता है, उसकी वजह से ये येलोइंग हो जाती है और अपर कर्लिंग हो जाती है। उसके अलावा एक स्टिकी इसके ऊपर छोड़ देता है, कॉटन के ऊपर स्टिकी प्रोडक्ट, और इसकी वजह से जो कॉटन की गिनिंग नहीं हो पाती है, गिनिंग और स्पिनिंग नहीं हो पाती, इसीलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये बीटी कॉटन के लिए। और दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 250 BT कॉटन हाइब्रिड्स हैं इंडिया, नॉर्थ इंडिया में, उसमें से 90% से ज्यादा में इनका डेंजर होता है व्हाइट फ्लाई के ये खतरे का। तो ये आप दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और इसका आंसर होगा बोथ। नंदिनी मिश्रा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था। ये उसकी जो एडिशनल डिटेल है, ये देखिए इंसेक्ट होते हैं ये 1 से 2 मिलीमीटर के, और ये करते हैं कॉटन को इफेक्ट करते हैं बेसिकली, ये कॉटन को इफेक्ट करते हैं ये, और ये क्या करते हैं देखिए, एक डिपॉजिट कर देते हैं कोई स्टिकी हनी टाइप का ही कर देते हैं ये, और उसी की वजह से जो गिनिंग प्रोसेस है और मिलिंग ये जो है ये डिफिकल्ट हो जाती है कॉटन में, तो इसीलिए काफी ज्यादा खतरनाक है ये व्हाइट फ्लाई। नंदिनी मिश्रा ने करेक्ट आंसर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है इसी के सामने आपके लिए, और ये मिनामाटा कन्वेंशन है कि आपने सुना होगा जरूर, ये किससे रिलेटेड है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन से, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्ट इमिशन से, कि लेड इमिशन से, कि नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर बताइए, मिनामाटा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ज्यादा ज्यादा लाइक करते रहिए, दो लोगों ने डिसलाइक कर दिया है, लाइक वाले बढ़ा दीजिए वरना फिर ये क्विज ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए तो फिर आप डिसलाइक करते रहिए, और नहीं तो फिर लाइक करते रहिए। इसमें सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है कुशल सेन ने, कुशल सेन वापस आ चुके हैं। ये मिनामाटा कन्वेंशन एक्चुअली मरकरी से रिलेटेड है, मरकरी के इमिशन से रिलेटेड है ये, तो इसीलिए कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये मिनामाटा कन्वेंशन ये मरकरी के इमिशन को करने के लिए है ये, और ये मरकरी के इमिशन को रोकने के लिए, और जितने भी जो मरकरी वाले प्रोडक्ट हैं उनको फेज आउट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए है। मरकरी के सोर्सेज कई सारे होते हैं, मरकरी ये कोल बर्न करने से भी आता है, प्लस इसमें कई सारी जैसे बैटरीज होती हैं, मेजरिंग डिवाइसेज होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं, बैरोमीटर, उनमें भी मरकरी का यूज होता है। और ये मरकरी का एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, सीरियस बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके अलावा काफी ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं इसके नर्वस सिस्टम पे, डाइजेस्टिव पे, और काफी ज्यादा मतलब ये डेंजरस होता है मरकरी। इसी को रोकने के लिए करवा ये बनाया गया था मिनामेटा कन्वेंशन है ये, तो ये मरकरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फेसबुक का फ्री बेसिक आपने बहुत सुना होगा, चर्चा में था, फेसबुक में भी आता रहता था, ट्रेंडिंग में रहता था ये चीजें, टीआरआई एआई से इसका बहुत विवाद भी चला था। तीन स्टेटमेंट दिए हैं इसके, तीनों में से ट्रू वाले बताइए। पहला ये है कि ये जो फ्री बेसिक है ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ये इंडियन डेवलपर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ये लोग अपनी वेबसाइट को फ्री में अवेलेबल करा सकें उनके लिए, जो लोग इंटरनेट एक्सेस को इंटरनेट को मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते एक्सेस को। दूसरा ये कि ये नेट न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तीसरा ये कि टीआरएआई ने नेट न्यूट्रलिटी को सपोर्ट किया और इसको बैन कर दिया था इफेक्टिवली। इन तीनों में से ट्रू वाला बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर दिया है
कविता सिंह ने, कविता सिंह जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। देखिए फ्री बेसिक, वो जो इंटरनेट डॉट ओ आर जी वाला जो एक था फेसबुक का प्रोग्राम, उसी को बोलते हैं फ्री बेसिक। और ये लोगों ने कह रहे थे कि कुछ लोग मतलब जैसे एक प्लेटफॉर्म बना देंगे और वहां पे वही वाली चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी यूजर को, जैसे मान लिया रिलायंस का कुछ, एयरटेल का। इन लोगों ने पूलिंग बना ली और ये बोल दिया कि ये वाली साइटें इनको फ्री में मिलेंगी जो भी यूजर इनको करेगा। अब दूसरी बात ये कि ये अगर कोई दूसरी साइट खोलना चाहे यूजर, तो ये उस पे उस हिसाब से पैसा लेंगे। तो इसीलिए नेट न्यूट्रलिटी वाले प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। और TRAI ने बोला था कि ये इंडिया में भी नेट न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब बेसिकली जो TRAI का स्टेटमेंट था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो लोग बेसिकली उनके अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो नेट न्यूट्रलिटी को ही सपोर्ट करते हैं। तो तीसरा वाला भी सही है और पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये जो फ्री बेसिक है ये सिर्फ कुछ पर्टिकुलर साइट के लिए था, ये पूरा नेट को एक्सेस नहीं कर रहा, करने दे रहा था जो भी लोग हैं। तो ये कुल मिला के मतलब ये नेट न्यूट्रलिटी वाला प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। बेसिक इसमें यही है, यही इसमें लिखा हुआ है। देखिए ये केवल ये जो फ्री एक्सेस मिलेगा ये कुछ पार्टनर वेबसाइट को मिलेगा और कुछ एप्लीकेशन को मिलेगा। 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था और सैमसंग, इरिक्सन, मीडिया टेक और ये सब पार्टनर थे इसके, मतलब इक्वल और अनबायस्ड एक्सेस नहीं देता है। कि अगर देखिए अगर आपको देना है फ्री नेट तो आप कोई भी साइट के लिए कर दीजिए ना, ये क्यों कर रहे हैं कि आप नहीं, ये फेसबुक खुलेगी, रिलायंस खुलेगी या फिर एयरटेल, कुछ ऐसी साइटें क्यों खुलेंगी। अगर आपको इंटरनेट वाला करना है, ये फ्री बेसिक देना है आपको ये, तो सभी साइट पे देना चाहिए। तो यही है मेन कुल मिला के कि ये जो नेट न्यूट्रलिटी वाला वही जो क्वेश्चन है उसको फॉलो नहीं करते हैं ये लोग। इंटरनेट वैसे फ्री और इक्वल होना चाहिए सभी के लिए, कि मतलब इंटरनेट में जैसे हम पे करते हैं तो ये सिर्फ हमको, ये जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उन्हीं को पे करें, ऐसा ना हो कि हम अगर मान लिया हमको कोई एक वेब पर्टिकुलर वेबसाइट देखनी है तो उसके भी पैसे देने लगेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो इन्फॉर्मेशन जैसे सभी को मिलती है वो बहुत अनइक्वलिटी आ जाएगी उसमें। तो इसीलिए ये इसको करता नहीं है। इसमें ये 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इनमें से आपको ट्रू वाला बताना है। पहला ये कि अगर आप सी वाटर में से आयरन ऐड कर दें, ये एल्गल ब्लूम वहां से मतलब पॉसिबल हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन आ सकते हैं वहां पे। दूसरा ये कि लोहा फेक से एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है और ये आर्कटिक में चलाया जा रहा है, और ये इसका जो बेसिक पर्पज ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए बेसिक पर्पज यही है कि ये लिखा हुआ है इसमें कि इसमें लोहे को इंट्रोड्यूस करेंगे आर्कटिक में और ये फाइटोप्लैंक्टन को प्रोड्यूस करेगा और वो सक कर लेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। अब इसमें बताइए दोनों में से करेक्ट कौन सा है, दोनों में से करेक्ट बताइए। रजनीश मिश्रा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले रजनीश मिश्रा जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ये पहला वाला एकदम करेक्ट है कि ऐसा देखा गया है कि अगर आप जो सी वाटर है उसमें एक्चुअली आयरन की कमी होती है, आयरन की ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं अगर कहीं भी आयरन होगा किसी पानी में तो वहां पे जल्दी ये प्रोड्यूस होने लगते हैं, और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये सक करते रहते हैं ये। तो ये देखा गया था कि कई सारे साइंटिस्ट ने, ये देखिए इंडो जर्मन प्रोजेक्ट तो है ये, लोहा फेक्स लोहे का मतलब हो गया आयरन, और फेक्स का मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, लेकिन ये चलाया जा रहा है आर्कटिक में, नहीं चलाया जा रहा है ये अंटार्कटिक में, चलाया जा रहा है साउदर्न ओशियन में, साउदर्न ओशन में। और ये यही बेसिक पर्पज था कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के डायरेक्शन में ये लोग कर रहे थे, देख रहे थे। लेकिन फिर अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी इसमें कि ये देखिए अगर आप लोहे को उसमें वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो भले ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे सकिंग हो जाए, ये फाइटोप्लैंक्टन अगर प्रोड्यूस हो जाएंगे, देखिए लोहे अगर कहीं भी रहेगा तो फाइटोप्लैंक्टन के जो प्रोडक्शन को उसको सपोर्ट कर देता है ये। तो ये कह रहे थे कि आयरन का फर्टिलाइजेशन करेंगे हम और उससे CO2 कम हो जाएगी, लेकिन उसके साइंटिस्टों ने देखा है और कई सारी रिसर्च में भी निकल के आ रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो एक मैरीन जो इक्विलिब्रियम बना है वो वहां पे डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, तो और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है वहां की मैरीन लाइफ के लिए, मैरीन इकोलॉजी के लिए। तो इसीलिए ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है ये नहीं, दूसरा वाला गलत है, यहाँ पे एंटार्क्टिक में चलाया जा रहा है ये देखिए ये लोहा फेक्स के करके इसका लोगो बना हुआ है, साइट में आप जाके देख सकते हैं, इंडिया और जर्मनी का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और ये अंटार्कटिक में चलाया जा रहा है। ये देखिए जर्मनी का एक रिसर्च व्हीकल है, पोला पोलर स्टर्न, और इसमें और भी कई सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया।
नहीं, लोहे का फाइटोप्लैंक्टन से मतलब ऐसा मैं इसमें पढ़ा इसमें कि फाइटोप्लैंक्टन अगर कहीं भी ग्रोथ होता है तो अगर वहां पे अगर आयरन होगा तो वो थोड़ा जल्दी उसको सपोर्ट करता है फाइटोप्लैंक्टन के प्रोडक्शन में। तो ये देखिए सी वाटर में मतलब लिमिटेड होता है आयरन, तो ये लोग क्या करेंगे आयरन को उसमें फर्टिलाइज कर देंगे, आयरन को उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे फाइटोप्लैंक्टन है। अगर जितने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस हो पाएंगे ये उतना ही ज्यादा CO2 को सक करेंगे, ऐसा इन साइंटिस्टों का मानना था। तो मतलब अगर लोहा रहेगा, लोहा जहां भी रहेगा वहां पे फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन जल्दी होता है, और उसी जो सी वाटर है उसमें कम होता है इसलिए। ठीक है, तो ये जितना ये मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी उस हिसाब से मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फास्टेस्ट जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया का उसको ओन कौन सी कंट्री करती है, यूएसए, रशिया की, फ्रांस की, नन। जल्दी बताइए फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री ओन करती है। पंकज साहू जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, ये चाइना है, और यहाँ पे मतलब इसका आंसर होगा नन, इन तीनों में से क्योंकि कोई भी नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर है करेक्ट चाइना। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पूरी दुनिया में अगर देखें जून 2016 तक का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है पूरी दुनिया का उसका नाम है सनवे तायू लाइट करके, ऐसा नाम है, चाइनीज नेम है, इतना ज्यादा प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इसको इससे पहले भी देखिए एक कोई लिनपैक बेंचमार्क होता है जो सुपर कंप्यूटिंग में यूज करते हैं, तो पहले भी इससे जो चाइना का ही सुपर ये कंप्यूटर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट था और उसका नाम था टिहाने 2 करके, और इसमें 59 PFLOPS था यानी कि पीटा फ्लॉप्स था ये, लेकिन अब ये 59 से बढ़ के हो गया 93। तो इस समय जो वर्ल्ड का सुपर फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसको ओन करती है चाइना, और उसका नाम है सनवे टायू लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि कौन सी कंपनी अभी ऐसा इंट्रोड्यूस कर रही है, कोई ऐसा प्लान कर रही है कि इंटरनेट इन नए एरिया में लाएगी, और उसके लिए ना होल डिक करने पड़ेंगे मतलब ना गड्ढे खोदने पड़ेंगे, ना टावर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और ना ही जो एक्सपेंसिव वायर लाइंस होती हैं वो भी नहीं बिछानी पड़ेंगी। अब इन चारों में से कौन सी कंपनी ऐसा ये प्लान कर रही है, ऐसा इंटरनेट लाएगी नया एरिया में जहाँ पे गड्ढे भी नहीं खोदने पड़ेंगे और टावर भी इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे और वायर भी आपको मतलब जो वायर वाली लाइन है वो भी नहीं बिछानी पड़ेगी, उस कंपनी का नाम बताइए जल्दी से। नहीं, गलत आंसर दे रहे हैं आप लोग सब, राजन मिश्रा ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, ये फेसबुक है। फेसबुक एक्चुअली क्या करने की सोच रही है कि फेसबुक ये मिलीमीटर वेव्स होती हैं इनको यूज करने की सोच रही है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से स्मॉलर होती है, कम होती है रेडियो वेव से, और इनकी वेवलेंथ इनसे कम होती है यानी कि जो इनकी एनर्जी है वो ज्यादा होगी, म्यू ज्यादा होगा। तो ये फेसबुक क्या कर रही है कि फेसबुक ऐसा इंटरनेट लाना चाह रही है नए एरिया में और उसमें यूज करेगी मिलीमीटर वेव्स का, ये काफी ज्यादा ये न्यूज थी, ये मतलब इंडिया की मीडिया में तो ज्यादा चर्चे में नहीं थी लेकिन बाहर काफी ज्यादा चर्चे में थी ये। तो ये मिलीमीटर वेव्स को यूज करके, देखिए मिलीमीटर जो वेव्स हैं उनको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं जो दूसरे लोग हैं, इसीलिए फेसबुक सोच रही है कि इसको यूज करके और ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके पूरी दुनिया में। लेकिन इसमें चैलेंज एक आएगा कि इसमें जो मिलीमीटर वेव्स हैं उनके लिए जो भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे उनका पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा हाई होगा, तो इस वाले चैलेंज के लिए फेसबुक की टीम भी बनाई हुई है इन्होंने R&D की, वो ये पूरा ये सर्च कर रही है कि कैसे इस मिलीमीटर वाली जो वेव्स हैं उनको यूज करके इंटरनेट लाया जा सके, क्योंकि इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना टावर, ना होल और ना ये वायरलाइंस। तो इसका आंसर है फेसबुक, फेसबुक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, PMG डिसा एक स्कीम है, ये किसके अंडर में ओवरऑल सुपरविजन में की जाएगी इंप्लीमेंट। पहला है ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और चौथा है नीति आयोग। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए इसमें। PMG डिसा एक अभी प्रोजेक्ट अभी अभी ये 2016 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, इसको किसके अंडर सुपरविजन में किया जाएगा ओवरऑल इंप्लीमेंट। चार ये ऑप्शन दिए हुए हैं, पूरा इसमें बताइएगा, जो ये ऑप्शन 1 2 3 4 मत लिखिएगा, नहीं, गलत दिया हुआ है, सभी ने गलत दिया हुआ है अभी तक,
अच्छा ये दे चुके हैं, निखिल एस सबसे पहले करेक्ट दे चुके हैं। नहीं विक्रमजीत जी, वो वाइट लाइट टेक्नोलॉजी वाला अलग प्रोजेक्ट है, ये फेसबुक वाला अलग है, ये मिलीमीटर को वेव्स को यूज करके आप देख लीजिएगा एक बार गूगल पे, मैंने देख लिया है। तो ये पीएमजी डिसा जो है ये MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंप्लीमेंट करेगी। निखिल एस ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो पीएमजी डिसा है ये बेसिकली रूरल एरिया में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए चलाया गया था, स्टार्ट हुआ था। 6 करोड़ इसमें रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाना है और उसके लिए करीबन 2,351 करोड़ रुपए खर्चे होंगे। और इसमें टारगेट ही कब तक का है कि मार्च 2019 तक 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा, मतलब उनको ये सब वेबसाइट चलाना, ऐप चलाना, ये सब चीजें सिखाई जाएंगी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लार्जेस्ट डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम होगा पूरी दुनिया का। इसमें देखिए 25 लाख जो कैंडिडेट हैं वो 2016-17 में किए जाएंगे, लिटरेट बनाए जाएंगे डिजिटली, और फिर उसके बाद 275 लाख 17-18 में, और 2018-19 में 300 लाख। ओवरऑल यही है इसका एम कि जितने भी 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत हैं उनमें से ये 200 या 300 कैंडिडेट लेंगे ये लोग, और जितने 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को डिजिटली लिटरेट बनाना है। तो देखिए दो तीन चीजें इसमें याद रखिएगा आप। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो पीएमजी डिसा प्रोग्राम है इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। दूसरी बात ये कि इसमें 6 करोड़ जो रूरल हाउस होल्ड है उनको डिजिटली लिटरेट बनाया जाएगा और ये 2019 तक कंप्लीट होगा। इन्हीं तीनों स्टेटमेंट में अगर यूपीएससी में आया क्वेश्चन तो इन्हीं तीनों से खेल सकते हैं वो। 2019 तक इसकी डेडलाइन है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और हर ग्राम पंचायत से 200 या 300 कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनको कि फाइनली डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें PSLV का C-37 का जो अभी 104 एक साथ सैटेलाइट बनाने, एक साथ लॉन्च करने का जो रिकॉर्ड बनाया था इसरो ने, उसी से रिलेटेड है। तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 1, 2, 3। इन तीनों में से फॉल्स वाले स्टेटमेंट बताइए कौन से हैं। पहला ये है कि जो टोटल वेट था 104 सैटेलाइट का, उसमें उसका टोटल वेट था 1,378 kg। दूसरा ये कि ये 44th कंसिक्यूटिवली सक्सेसफुल मिशन है ये PSLV का। तीसरा ये कि जो 103 फॉरेन सेटेलाइट थे उनमें से मैक्सिमम जर्मनी से है। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सोच समझ के दीजिएगा इसमें जवाब। हेल्प सीकर्स ने एकदम सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देखिए मैंने इसमें पूछा था कि चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, आप लोग कई लोग ट्रू की खोज कर रहे हैं, इसमें सत्य की खोज मत करिए, इसमें फॉल्स यहाँ पे देखना है। इसीलिए मैंने बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब आंसर दीजिए। सबसे पहले हेल्प सीकर्स ने करेक्ट आंसर दिया है। देखो PSLV जो इसरो ने अभी एक साथ 104 एक साथ सेटेलाइट छोड़े थे उसमें से एक तो था रिसो, ये जो कार्टोसैट 2 है जो कि एक रिमोट सेंसिंग ये सेटेलाइट है, और उसके अलावा दो इंडिया के नैनो सेटेलाइट थे और प्लस 101 ये फॉरेन सेटेलाइट थे। तो पहली बात तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि 103 नहीं 101 है। और दूसरी बात ये कि मैक्सिमम थे USA से, तो दूसरा वाला और तीसरा वाला गलत है क्योंकि, और दूसरा वाला भी इसलिए गलत है क्योंकि ये 38th कॉन्जिक्यूटिवली मतलब 38th 38वां लगातार सक्सेसफुल मिशन है ये PSLV का। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, वही मैंने पूछा था, 2 और 3 are false। बाकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं, बाकी डिटेल इसमें दी हुई है कि ये 38th सक्सेसफुल मिशन है ये PSLV का, और इसमें 103 जो को पैसेंजर सेटेलाइट थे, एक तो वो कार्टोसैट 2 हो गया और प्लस उसके अलावा दो नैनो सेटेलाइट थे। देखिए जो रिसोर्स सेट है ये रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है और इसको यूज करेंगे क्रॉप एरिया के प्रोडक्शन और एस्टिमेशन में, ड्रॉट मॉनिटरिंग में, सॉइल मैपिंग में, क्रॉपिंग सिस्टम एनालिसिस में और फार्म एडवाइजरी जनरेशन में। ये जो 101 बच्चे, 101 ही हो गए प्लस दो नैनो सेटेलाइट हो गए, नैनो सेटेलाइट INS-1 और INS-2, तो 101 में से USA के थे 96 और एक एक किस किस कंट्री से था, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इसराइल, कजाकिस्तान, UAE। ये सब आप एक बार जरूर याद रखिए क्योंकि ऐसा, हाँ कार्टोसैट था ना, बोला तो मैंने कार्टोसैट के अलावा भी 103 थे ना, तो टोटल 104 थे ना, कहाँ गया, टोटल 104 थे, एक था कार्टोसैट 2 और प्लस दो नैनो सेटेलाइट थे, कार्टोसैट 2 प्लस दो नैनो और 101 फॉरेन सेटेलाइट थे, 101 में से 96 थे USA के। तो ये सब फैक्ट भी याद रख लिए, पिछली बार भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी के साथ, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देखिए चाइना ने अभी एक लॉन्च किया है, पहला डार्क स्काई रिजर्व किया है और ये ऑब्जर्वेशन के लिए किया है, लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये, तिब्बत प्रोविंस के नगारी करके एक जगह है वहां पे किया है ये,
और ये बॉर्डर करता है नेपाल और इंडिया दोनों को। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो नगारी है ये वन ऑफ द बेस्ट साइट है ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए पूरे अर्थ में, बिकॉज यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड है और लार्ज नंबर ऑफ क्लाउडलेट डेज होते हैं। इन दोनों में से ट्रू वाला बताना है, ट्रू वाला बताना है। और ये कविता सिंह जी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बोथ है इसका आंसर। वाला भी सही है कि चाइना ने सबसे पहला डार्क स्काई रिजर्व किया है लॉन्च, और ये कहाँ से किया है, नगारी करके एक जगह है, एन पता नहीं साइलेंट होगा कि नहीं, मैंने देखा नहीं, मैं नगारी बोल रहा हूँ। और ये नगारी है तिब्बत में है, और तिब्बत में ये मतलब पूरे अर्थ की सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की साइट मानी जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्लाउडलेट डेज होते हैं वो भी सबसे ज्यादा होते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लाइट पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये। और ये देखिए नगारी को और भी कुछ बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, देखिए रूफ ऑफ द वर्ल्ड तो बोलते हैं तिब्बत को, तो ये उसका भी टॉप है ये, इसीलिए बोलते हैं इसको नगारी को रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और ये मोस्ट तिब्बतियन पार्ट ऑफ तिब्बत भी बोलते हैं इसको, तो ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी एक डेवलप किया है सिरेमिक पॉलीमर हाइब्रिड किया है, जिसको नाम दिया गया कैस्पॉल। अब इस कैस्पॉल से रिलेटेड चार चीजों के यूज लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कहाँ पे जो कैस्पॉल है यूज हो सकता है, रॉकेट में यूज हो सकता है कि नहीं, थैस्ड होम्स में हो सकता है कि नहीं, ऑटोमोबाइल की सीट में हो सकता है कि नहीं, चौथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और जो सीट कशन होते हैं रेलवे कोचेस के उनमें भी हो सकता है कि नहीं। इन चारों में से कैस्पॉल कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये बताना है आपको। राहुल, हाँ राहुल शर्मा जी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, ऑल है इसका करेक्ट, सेकेंड नंबर पे पंकज साहू। तो ये जो कैस्पॉल है ये सिरेमिक पॉलीमर हाइब्रिड है, और ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी डेवलप किया है। देखिए सबसे पहले रॉकेट के लिए ही किया गया था, क्योंकि एक हाई टेम्परेचर मटेरियल चाहिए था ऐसा जो कि हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके, फायर प्रूफ बनाया जा सके कुल मिला के। लेकिन फिर उसमें थैस डोम, जो गरीब लोग रहते हैं जो फूस वाले घर होते हैं उनमें भी फायर को रोकने के लिए किया जा सकता है, और इवन ये व्हाइट ये करके होता है, देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये रेडी टू कोट प्रोडक्ट होता है, ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होता है, हाई टेम्परेचर है ये, फायर से रेजिस्टेंट होता है ये, तो रॉकेट के लिए तो बनाया ही गया था ये, और ये 800 डिग्री तक सेल्सियस तक विदस्टैंड कर सकता है। उसके अलावा इसके कई जगह यूज हो सकता है, ऑटोमोबाइल में भी कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी, सीट कुशंस में भी कर सकते हैं रेलवे कोचेस के, और इसको फायर प्रूफ बनाने के लिए कैस्पॉल को अप्लाई किया जा सकता है हर जगह पे, इतनी जगह पे जो चार एरियाज दिखे, तो एक बार इनको याद जरूर रख लीजिएगा। और इसके अलावा फायर प्रूफ भी बना सकता है कैस्पॉल, और प्लस वाटर प्रूफ भी बना सकता है, वो ये कोटिंग टाइप का प्रोडक्ट होता है, वाटर बेस्ड रेडी टू कोट प्रोडक्ट होता है ये, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए आपसे बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए पांच यहाँ पे मिसाइल दी हुई हैं, और सबका सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू एयर है ये सब लिखा हुआ है, इन पांचों में से करेक्ट वाली बतानी है आपको। पहली है कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं है। इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल ये अग्नि है कि नहीं। फिर शॉर्ट रेंज लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल कि नहीं है। और फिर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश है कि नहीं है। और थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग है कि नहीं। इन पांचों में से कौन सा करेक्ट मैचिंग है, जो मैच द फॉलोइंग वाले आप आते हैं हमेशा, कौन सी करेक्ट मैचिंग है ये बताइए आप। एक गलत है इसमें कि कोई भी गलत नहीं है। नेहा माथुर जी ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, ये एक्चुअली पांचों ही करेक्ट हैं, पांचों की पांचों की एकदम ट्रू है। ये जो पृथ्वी है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और बल्कि पृथ्वी टू जो मिसाइल थी वो सबसे पहली इंडिया की डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी है अग्नि, ये अग्नि इंटरमीडिएट रेंज की है, बल्कि अब तो अग्नि सिक्स अगर आ जाएगी तो वो तो लॉन्ग रेंज की भी हो सकती है, तो ये इंटरमीडिएट रेंज की है सरफेस टू सरफेस है बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरा है त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। देखिए ये जरूर याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस है कि सरफेस टू एयर है, ये मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ मिसाइल्स ऑफ इंडिया, उसमें पूरे मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू से लेकर लास्ट तक का, कि कैसे मिसाइल डेवलपमेंट, जो IGMDP प्रोग्राम चलाया गया था अब्दुल कलाम सर ने जो चलाया था, उसके बाद फिर कैसे कैसे मिसाइल डेवलपमेंट हुआ, अग्नि कौन सी है, पृथ्वी कौन सी है, सरफेस टू एयर कौन सी है, सरफेस टू सरफेस कौन सी है, पूरा जितनी भी चीजें हैं नेवी और ये सब चीज से रिलेटेड, किसके पास कौन सी मिसाइल है, सब उसमें बताया गया, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिल सकता है। तो तीसरा वाला जो है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, ये त्रिशूल है, सही है बिल्कुल। फिर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर एयर मिसाइल है ये आकाश, तो सरफेस टू एयर में शॉर्ट रेंज हुई त्रिशूल और मीडियम रेंज हुई आकाश,
और एंटी टैंक जो मिसाइल है थर्ड जनरेशन वो है नाग। तो ये पांचों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कंफ्यूज मत होइए, वो मिसाइल्स ऑफ इंडिया एक करके वीडियो है सर स्टडी, अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मिसाइल्स ऑफ इंडिया करके है। मैं यूपीएससी 2017 की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, यूपीएससी प्रीलिम 2017 की, उसमें भी मैंने ऐड कर दिया है, आप उससे देख लीजिएगा पूरा एकदम, आपका इस जो मिसाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, पूरा मैंने एक साथ समरी बना रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसी के साथ, आइंस्टीन रिंग आपने सुना होगा शायद, नहीं सुना है तो अगर यहाँ पर ट्राई करिए। आइंस्टीन रिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, चार ऑप्शन दिए, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है ये, कि ये सबसे महंगी रिंग बनाई जर्मनी ने, कि ये क्लाउड फिनोमिना है, कि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इसीलिए मैंने ऐसा रखा है क्वेश्चन। सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया राहुल शर्मा जी ने, लेकिन ये माना नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने ए लिखा है। सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया नितिन श्रीवास्तव जी ने, यहाँ पे ए बी सी डी मत लिखिए, पूरा ये लिखना होता है जब आपको मैंने बता रखा है पहले। तो आइंस्टीन रिंग ये रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना से। देखिए यूपीएससी की अक्सर ये आदत है ऐसी कि ये लोग ऐसी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि कुछ ऐसा शब्द ले आएंगे और पूछेंगे कि इज रिलेटेड टू या फिर इज एसोसिएटेड टू, ये सब चीजें आप याद जरूर रखिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है ये आइंस्टीन रिंग, ये सबसे पहले आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी उसी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था कि जब कोई दो बहुत दूर की गैलेक्सीज होती हैं वो परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगी और वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अपार्ट हैं, लाइट ईयर वैसे भी एक डिस्टेंस की यूनिट है, तो अगर बहुत ही लाइट ईयर्स मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर हैं और वो फिर भी परफेक्टली अलाइंड है तब बनती है आइंस्टीन रिंग। तो ये आप याद रख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है। देखिए इतना पीएचडी करने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है ये। कुछ वर्टिकल फार्मिंग से रिलेटेड है ये, हाँ थोड़ा सा है, और इसीलिए मैंने थोड़ा ये भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, मैंने यूपीएससी के क्वेश्चन बनाने में भी काफी टाइम लगता है। वर्टिकल फार्मिंग से रिलेटेड है ये, देखिए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसी से रिलेटेड चार फैक्ट दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको ट्रू वाले बताने हैं। पहला है इसमें कि वर्टिकल फार्मिंग में कैसे ग्रो होगी, वर्टिकली मल्टी स्टोर डिपार्टमेंट में ये बनाए जाएंगे। दूसरा ये कि ये नीड ऑफ द आवर है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और दूसरी बात पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और जो हंग्री पॉपुलेशन वो भी बढ़ती जा रही है। तीसरा ये कि इसमें दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक हाइड्रोपोनिक यूज़ करते हैं टेक्निक और एक दूसरा होता है एरोपोनिक टेक्निक यूज़ करते हैं। हाइड्रोपोनिक में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट इनरिच वाटर से क्रॉपिंग करते हैं, और एरोपोनिक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट इनरिच्ड एयर से क्रॉपिंग करते हैं। और चौथा है कि इसका जो सोर्स है वो ब्लू और रेड एलईडी है, और ये इसका सोर्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, लाइट का सोर्स है ये। सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है डॉली गुप्ता जी ने, तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है, एक्चुअली चारों के चारों स्टेटमेंट सही है एकदम। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए ये वर्टिकल फार्मिंग काफी ज्यादा ये न्यूज में थी, द हिंदू में भी आया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग आजकल जरूरत भी है क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से जो छोटे शहरों से लोग आते हैं जैसे मेट्रो सिटीज में, उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है कुछ कुछ एरियाज की, इसीलिए वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं वहाँ पे, कि रैक्स बना देंगे, वर्टिकली क्रॉपिंग करेंगे, दो तो टेक्निक यूज करेंगे, हाइड्रोपोनिक मतलब कि न्यूट्रिएंट इनरिच वाटर, और प्लस जो एरोपोनिक ये है न्यूट्रिएंट इनरिच एयर, और सनलाइट कैसे देंगे इसमें, ब्लू और रेड एलईडी लाइट से। तो चारों स्टेटमेंट करेक्ट है एकदम। वीडियो स्टॉप नहीं हो रहा है, आप एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, बंद करके फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है ये, डीडीटी, और ये यूज किए जाते हैं, इनसे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन तीनों में से करेक्ट वाला बताना है आपको। ये पहला वाला लिखा है इसमें कि ये यूज किए जाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, यूज करती है इनको क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए, और ये पता लगाती है कि पर्सन कोई भी बंदा झूठ बोल रहा है या नहीं। दूसरा ये कि थर्ड डिग्री जो मेथड होते हैं वो इन टेस्ट के ऊपर ये प्रेफर किए जाते हैं। तीसरा ये कि तीन टाइप के डीटी होते हैं, मतलब डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट, लाई डिटेक्टर, नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग, करेक्ट वाला बताना है आपको। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पे, जल्दी बताइए। नहीं विक्रमजीत जी गलत है आपका, पंकज साहू जी आपका भी गलत है, नम्रता सिंह जी आपका भी गलत है। सबसे पहले करेक्ट आंसर किसी ने नहीं दिया है अभी तक, नेहा माथुर ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, पहला और तीसरा करेक्ट है, ये दूसरा वाला गलत है। जो थर्ड डिग्री मेथड होते हैं उनके ऊपर एक्चुअली
ये वाले टेस्ट अडॉप्ट किए जाते हैं, मतलब उनके ऊपर प्रेफर किए जाते हैं, ये प्रेफर किया जाता है कि आप थर्ड डिग्री मेथड मत दो क्रिमिनल्स को, उससे बढ़िया कि ये डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट आप कैरी कर लो उनके ऊपर, क्योंकि साइंटिफिकली अप्रूव्ड भी हैं और तीन टाइप के होते हैं, लाई डिटेक्टर होता है, या नार्को एनालिसिस कर लो या ब्रेन मैपिंग कर लो, कि जिससे कि ये देखिए ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, इसलिए ये प्रेफर किए जाते हैं जनरली थर्ड डिग्री जो टॉर्चर होता है उनको देने से बढ़िया है कि ये वाले कर लो। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। नेहा माथुर ने एकदम करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, और ये देखिए केमिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड है, ये तीन स्टेटमेंट है आपको, हर बार तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होते हैं, याद रखिएगा इनमें से करेक्ट वाला बताना है आपको। पहला ये कि जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है ये आर्म कंट्रोल ट्रीटी है, और ये क्या क्या कंट्रोल करती है, प्रोडक्शन की, स्टॉक पाइलिंग की, और प्लस जो केमिकल वेपन्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इस एडमिनिस्टर को कैसे की जाती है, OPCW के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेग बेस्ड है ये, और ये ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 1997 में, और इंडिया ने इसको रेटिफाई किया हुआ है केमिकल वेपन कन्वेंशन को 1996 में, इन तीनों में से ट्रू वाला बताना है। सबसे पहले अभिजीत पांडे जी ने करेक्ट आंसर दिया है। देखिए डॉली गुप्ता जी अभी हम इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा टाइम हो गया, क्योंकि अभी आप बस आंसर दे दीजिए इसका, बाद में मैं बता दूंगा आपको तीनों एक साथ, तीनों का मैं वीडियो बना के बता दूंगा। चलिए, तो ये अभिजीत पांडे ने करेक्ट आंसर दिया, तीनों एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जो केमिकल वेपन कन्वेंशन ट्रीटी है ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, और ये जितने भी जो केमिकल वेपन्स होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, उनके यूज से रिलेटेड है ये एडमिनिस्टर की जाती है OPCW के अंडर। OPCW क्या है, ये कहाँ पे बेस्ड है, हेग में है ये, नीदरलैंड में, और ये ट्रीटी जो है ये फोर्स में आई थी 1997 में, और इंडिया ने इसको इंडिया के रेटिफिकेशन के बाद ये आई थी 1996 में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेड जोन से रिलेटेड है, ये डेड जोन से रिलेटेड चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक्चुअली करेक्ट वाला बताना है आपको, करेक्ट वाला बताइए। डेड जोन क्या है, डेड जोन वो एरिया होते हैं ओशन में जो जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसी लिए वो लोग जो मरीन लाइफ सिस्टम है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से जो या तो मरीन लाइफ मर जाती है और या फिर वो वहां से निकल जाती है और वहां पे बायोलॉजिकल डिजर्ट बन जाता है। दूसरा ये कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन ये इसका प्राइमरी कॉज होता है। तीसरा ये कि जो डेड जोन है ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के, और नामीबिया में और इंडिया में पाए जाते हैं, अरेबियन सी में। और चौथा ये कि बे ऑफ बंगाल ने अभी एक 60,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेड जोन डिक्लेयर कर दिया। इन चारों में से करेक्ट, इन चारों में से करेक्ट जल्दी बताइए। सबसे पहले आंसर दिया है पंकज साहू जी ने, करेक्ट, ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो देखिए डेड जोन क्या होता है कि अगर कहीं भी ओशन में ऐसा एरिया जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहां का जो पूरा लाइफ सिस्टम है, जो पूरा इक्विलिब्रियम बना हुआ है, वो एकदम चरमरा जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा तुरंत, और मरीन लाइफ वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो या तो वो मर जाएंगे जो फिश और जितनी भी जो जो वाटर के अंदर स्पीसीज हैं, और या फिर वो भाग जाते हैं उस एरिया से, तो वहां पे कुल मिला के एक बायोलॉजिकल डिजर्ट हो जाता है क्रिएट। और ये यहाँ का सबसे बड़ा जो पोल्यूशन है वो न्यूट्रिएंट पोल्यूशन है, ये ह्यूमंस के द्वारा ये जो किया जाता है। और तीसरा ये कि कई सारे पाए जाते हैं साउथ अमेरिका, नामीबिया, इंडिया में, बे ऑफ बंगाल ने भी किया है अभी, मतलब ये जो ह्यूमन पॉल्यूशन है उसी की वजह से, जो यूट्रोफिकेशन होता है उसी की वजह से हो जाता है ये। तो ये डेड जोन काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख जरूर लीजिएगा एक बार, यहाँ भी आपने समझ लिया होगा। बे ऑफ बंगाल ने अभी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को डेड जोन किया डिक्लेयर, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चौथा है इंडिया भी एसोसिएट मेंबर बनने वाला है सन का, अब इसका मतलब क्या है ये बताइए आप, कि क्या मतलब है इसका कि ये इंडिया एसोसिएट मेंबर बन जाएगा। तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट वाला बताइए कि अब इंडिया क्या जो काउंसिल की मीटिंग है उनको अटेंड कर सकता है, और जो काउंसिल डॉक्यूमेंट है उनको रिसीव कर सकता है, या फिर दूसरा ये कि इंडिया अब जो उनके ओपन और रिस्ट्रिक्टेड सेशंस होते हैं उनके लिए एंटाइटल्ड हो गया, या फिर तीसरा ये है कि अब इंडिया को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 11.5 मिलियन स्विस फ्रांक्स हर साल देना पड़ेगा ये सन की कैपिटल में, इन तीनों में से करेक्ट वाला बताइए, करेक्ट वाला बताइए। और सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है पार्वती चंद्रशेखर ने, 2 एंड 3, ठीक है, 2 एंड 3 करेक्ट है, क्योंकि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो इंडिया जब तक ऑब्जर्वर स्टेटस था वो भी तब तक भी कर सकता था, अभी तक इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस था, एसोसिएट मेंबर बन गया है, तो अब ये दोनों चीजें
मिल जाएंगे इंडिया को, मतलब कि अब इंडिया को रिस्ट्रिक्टेड और ओपन सेशन के ये अटेंड करने के लिए इंटाइटल हो गया इंडिया। और दूसरा ये कि इंडिया को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए 5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स हर साल देने पड़ेंगे सर्न के लिए। तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई, 2 और 3 करेक्ट है इसमें। पहला वाला तो पहले से ही था। तो देखिए इंडिया अभी क्या है, ऑब्जर्वर स्टेटस है इंडिया का, लेकिन जब ये एसोसिएट मेंबर बन जाएगा तो इंडिया अटेंड कर सकता है ओपन और रिस्ट्रिक्टेड सेशन, लेकिन इंडिया को कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा कैपिटल में। तो ये दो मेन चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इजी है, आप समझ लीजिए। इंडिया बनने वाला है सर्न का, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉरी बिगेस्ट लेबोरेटरी है पार्टिकल फिजिक्स की, और ये यहाँ पे लार्ज हैड्रोन कॉलिडोर भी है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। और इसी ने जो ये काफी ये एसोसिएटेड है किसकी डिस्कवरी से, हिग्स बोसॉन की, जिसको कि गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। तो एसोसिएट मेंबर बनने का क्या फायदा होने वाला है, ये आपको जरूर समझना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये। अभी तक ऑब्जर्वर था तो अभी भी ये जो मीटिंग इनकी, तो अभी भी अटेंड कर सकता था, और जो इनके काउंसिल डॉक्यूमेंट है अभी भी कर सकता था वो, जबकि ये अगर चाहे वो पार्ट ले या ना ले। लेकिन अब इसको जो रिस्ट्रिक्टेड सेशन है उनमें भी अटेंड करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ गया, इंडिया, ये कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है ये। अब देखिए इंडिया कौन कौन से जो चार ये दिए हुए हैं, इनमें से किस किस कन्वेंशन का मेंबर है इंडिया कॉपीराइट लॉ के टर्म्स में। चार ही दिए हुए हैं, बर्न कन्वेंशन है 1886 का, या फिर यूनिवर्सल कन्वेंशन है, रोम कन्वेंशन है 1961 का, या फिर ट्रिप्स। इन चारों में से किसका किसका इंडिया मेंबर है, ये कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है ये। देखिए ये मुझे लगता है शायद मैंने इधर उधर किया था तो देख लिया था लोगों ने, तो इसका क्वेश्चन का कोई विनर नहीं है क्योंकि सब लोगों ने देख ही लिया है, तो फिर क्या है। चलिए ट्रू है, सभी ट्रू है इसमें। और ये इंडिया में इंडिया ने मतलब चारों ही को ही साइन करके रखा हुआ है। बर्न कन्वेंशन 1886 से रिलेटेड है, आप जरूर याद रखिएगा, कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है ये चारों कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन 1886 का, प्लस यूनिवर्सल कन्वेंशन 1951 का, प्लस रोम कन्वेंशन 1961 का, और प्लस ट्रिप्स, इंडिया चारों का सिग्नेटरी है। ये देखिए कॉपीराइट जो एक्ट है 1957, ये कॉपीराइट लॉ का सब्जेक्ट मैटर है, और इसको 6 बार अमेंड किया जा चुका है इंडिया में 1956 से, और ये 2012 में लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट हुआ था। इंडिया कई सारे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है उनका मेंबर है, जैसे कि ये बर्न कन्वेंशन है और यूनिवर्सल कन्वेंशन है। देखिए अभी एक राइट टू फोटोकॉपी वाला कॉन्सेप्ट आया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जैसे एजुकेशन को एक एक्सेप्शन मिला हुआ है कॉपीराइट लॉ में सेक्शन 52(1)(a) में, कि ये एजुकेशन वाली जो रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके अगर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जैसे फोटोकॉपी करा के पढ़े जा सकते हैं, तो उसी लिए ये बोला गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जो राइट टू फोटोकॉपी है वो इसी जो एजुकेशन को एक्सेप्शन मिला हुआ है वो इसी में आता है, मतलब राइट टू फोटोकॉपी है तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कई सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं कॉपीराइटेड उनको आप फोटोकॉपी करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये माना हुआ है। कुल मिला के ये है मेन चीज इसमें, और इसी से रिलेटेड ये कॉपीराइट लॉ के ये सब आ गए थे न्यूज में, तो ये आप देख लीजिए एक बार, पता होना चाहिए आपको। नहीं बर्न मैंने ये कहा कहा है कि स्विट्जरलैंड में नहीं है, बर्न कन्वेंशन बोला है मैंने 1886 में, इसका मतलब इंडिया सिग्नेटरी है, ये इंडिया ने इंडिया इसका मेंबर है, वो बॉर्न है, ये बर्न है, मतलब इंडिया कॉपीराइट लॉ में, देखिए आपने ये नहीं सुना होगा शायद, ये बॉर्न अलग चीज है, वो ये कॉपीराइट लॉ से रिलेटेड है, इंडिया इन सब का मेंबर है, बर्न कन्वेंशन 1886 का, यूनिवर्सल कन्वेंशन है ये 1951 का, रोम कन्वेंशन है 1961 का, और ट्रिप्स। ठीक है 20 क्वेश्चन थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, थैंक यू फॉर लिस्टिंग। आप बताइए अगर किसी का कोई डाउट हो, या फिर कल कौन सी बनानी है जल्दी से बता दीजिए, कल बना देंगे, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम्स की, ये आज साइंस और टेक्नोलॉजी से थी रिलेटेड। देखिए ज़्यादा लोग जितने भी सुन रहे हैं कम से कम शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कि इसका फायदा सभी को मिलता रहे। हाँ वो अलग है, वो बॉर्न है, ये बर्न है, तो शेयर कर दीजिएगा कम से कम आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि पहुँचता रहे, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो जल्दी बताइए, या फिर कोई सजेशन हो तो बताइए। कल गवर्नमेंट स्कीम पे मैं बनाऊंगा, पूरे 20 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी पे, अच्छा हाँ ज्योग्राफी पे भी बना सकते हैं,
नहीं पॉलिटी की तो बना चुका हूँ मैं, यूपीपीएससी का तो एग्जाम ही अभी नहीं होना है, वो तो अगस्त में या सितंबर में होगा, उसकी कोई डेट आए तब उसमें देखें। अभी इसीलिए तो मैं यूपीएससी में लगा हुआ हूँ कि एक बार उसका पता चले। तो यूपीपीसीएस के लिए मैंने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, पुराने वाले आप देख लीजिए, बस उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला बचा है, बाकी बहुत कुछ इसमें साइंस वाला वो सब चीज़ें बना चुका हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का बना दूँ? गवर्नमेंट स्कीम्स का बनाना है कि ज्योग्राफी का बनाना है? नहीं पीसीएस डेट नहीं है, ये भी फास्ट ही करता हूँ, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं पूरा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते हैं, हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, और मुझे खुद कितना टाइम लगता है। आप तो बोलते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, और मेरा यहाँ पे मैं खुद 5-6 घंटे खर्चा करता हूँ आप ही लोगों के लिए, उसमें मुझे कोई फायदा भी नहीं है ऐसा। तो ऐसी चीजें मत बोला करिए यहाँ पे, अगर आपको टाइम सेव करना है तो आप प्लीज मत देखिए इसको। नहीं मैडम वाले कुछ हिंदी मीडियम में ही रहेंगे, क्योंकि मैडम हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड है। ज्योग्राफी के देखिए 1, 2, 3, 4 लोगों ने बोला है, और गवर्नमेंट स्कीम के 1, 2, 3 लोगों ने बोला है। जल्दी बताइए ज्योग्राफी की गवर्नमेंट स्कीम। स्टेट पीसेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, उसमें फैक्ट भी बताता हूँ आपका आपको, तो इसीलिए वो फैक्ट तो आ ही सकते हैं ना स्टेट पीसेस और एसएससी सीजीएल में। ज्योग्राफी का ही बोल रहे हैं ज्यादातर लोग, नहीं गवर्नमेंट स्कीम का ही बोल रहे हैं। ज्योग्राफी एक दिन पहले क्या बताना है? नहीं आपको देखिए 9 बजे से लेकर 11 बजे तक में क्विज कभी भी हो सकती है, ये टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं मैं। एग्जाम आपका नियर है मुझे पता है, इसीलिए मैं 4-5 घंटे अपने खर्च करके और ये बनाता हूँ क्विज। ये पूरा आपको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं कई सारे फैक्ट भी बताता हूँ इसमें, तो वो 20 क्वेश्चन आपका मतलब रिवीजन हो रहा है, कॉन्सेप्ट है वो पूरे। चलो ठीक है, जियो फाइनल फिर, ज्योग्राफी फाइनल, गवर्नमेंट स्कीम का परसों बना लेंगे। हाँ ठीक है, ज्योग्राफी में वो वाले रखेंगे, नॉर्थ से साउथ वाले, ईस्ट से वेस्ट वाले, ये सब चीजें रखेंगे उसमें। नहीं समझ में तो देखिए, आप यूपीएससी वाला लेवल अचीव करने के लिए एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो घुमाना ही पड़ेगा उसमें। हाँ ठीक है, मैप वाले कल कर देंगे, चलो ज्योग्राफी का कल करते हैं फिर। नहीं स्कीम वाला भी कर देंगे, वो कोई बात नहीं। देखिए बेल आइकन पे आप लोग जरूर क्लिक कर लीजिएगा, वो जो सब्सक्राइब करने के साथ बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको टैप कर दीजिएगा, मतलब घंटा दबा दीजिएगा, उससे जब भी मैं कभी ऑनलाइन होऊंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं हो सकती, 9 से 11 के बीच में जब मेरी क्विज तैयार हो जाती है मैं तुरंत आ जाता हूँ, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकते हैं। थैंक यू राहुल शर्मा जी, चलिए ठीक है फिर कल मिलते हैं ज्योग्राफी की क्विज के साथ। कल ज्योग्राफी की करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि परसों गवर्नमेंट की स्कीम रखनी है कि नहीं। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं खुद बनाता हूँ, ये क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकते ही नहीं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन में एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड दोनों रखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।